हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारा ये वीडियो को शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड डैश? आंसर, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में तत्वों का निर्माण किससे होता है? व्हाट मेकअप द एलिमेंट्स इन द बॉडी? आंसर, प्रोटीन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो को लाइक करना। सेकंड, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आंसर, पैर में। पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल के अनुसार शरीर का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द केल्विन स्केल? आंसर, 310 केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल के अनुसार शरीर का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस स्केल? आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल के अनुसार शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारेनहाइट स्केल के अनुसार शरीर का तापमान कितना होता है? हम जो फारेनहाइट स्केल जो हम बोलते हैं, इस फारेनहाइट स्केल के अनुसार शरीर का तापमान है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फारेनहाइट स्केल? आंसर, विटामिन ए किस में संचित रहता है? व्हेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड? विटामिन ए यकृत यानी लिवर में स्टोरेज होकर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? पीएच, क्लियर। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? मानव मूत्र का पीएच मान है 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन किस कारण दुर्गंध देता है? हम जो पेशाब जो कहते हैं, ये किस कारण दुर्गंध देता है? व्हाई डज यूरिन गिव फॉल स्मेल? आंसर, यूरिया। यूरिया की वजह से यूरिन दुर्गंध देता है। क्लियर। किसके वजह से? यूरिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी पर डे? आंसर, 1800 टू 2000 मिलीलीटर्स पर डे, 2 लीटर पर डे हमारा यूरिन बनता है। शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द बॉडी? हमारे शरीर जो हम जो कहते हैं, शरीर में हमारा गुणसूत्र की संख्या 46 है। क्लियर। शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 है। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? इसका आंसर हमारा क्या था? 46। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? हमारे शरीर जो है, इस शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? इसका आंसर, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर देयर इन द बॉडी? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? इसका आंसर, 20। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट्स? आंसर, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका आंसर हम पा चुके हैं। हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट्स? आंसर,
इसका आंसर है फोर। मानव हृदय में फोर कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? फोर इसमें मानव हृदय में। लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के आधार पर होता है? सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्रोमोसोम्स? आंसर मेल क्रोमोसोम। मेल क्रोमोसोम के अनुसार लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के आधार पर होता है? इसका आंसर मेल क्रोमोसोम। मेल क्रोमोसोम के आधार पर हमारा लिंग निर्धारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? हम जो लार जो कहते हैं इसमें कौन सा एंजाइम हम पाते हैं? व्हिच इज द एंजाइम फाउंड इन सालिवा? आंसर टायलिन। टायलिन नामक एंजाइम हम लार में पाते हैं। क्लियर। लार में कौन सा एंजाइम पाते हैं? टायलिन नाम को। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मसल्स? मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। क्लियर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मसल्स? आंसर हमारा क्या है? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? आंसर 12। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी यंत्र में रक्तचाप मापी जाती है? व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर? कौन सी यंत्र में रक्तचाप मापी जाती है? आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर। स्फिग्मोमैनोमीटर में रक्तचाप मापी जाती है। नेक्स्ट, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? आंसर हमारा क्वेश्चन था, जो शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है, इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है। क्लियर। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारा जो क्वेश्चन में जो है, इसका आंसर है स्किन। स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द इन द बॉडी? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर। यकृत क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? व्हिच इज द यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप? ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रक्त समूह है। क्लियर। नेक्स्ट, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? व्हेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन? माउथ। भोजन का पाचन क्रिया माउथ से प्रारंभ होता है। माउथ से भोजन का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंत में होता है? एट व्हाट एंड डज द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस? आंसर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, बुझला। नेक्स्ट, बाइल किस अंग द्वारा स्त्रवित होता है? बाय व्हिच ऑर्गन इज बाइल सीक्रेटेड? यकृत द्वारा। बाइल यकृत द्वारा या बाइल यकृत अंग द्वारा स्त्रवित होता है। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? व्हिच इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? आंसर ओ। सर्वदाता रक्त समूह है हमारा ओ।
क्लियर। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वाधिक रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए व्हाइट ब्लड सेल? आंसर, 2 से 4 डेज। क्लियर, 2 से 4 डेज श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। क्लियर, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल? आंसर, 20 से 120 डेज। 20 से 120 डेज लाल रक्त कण का जीवन काल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? व्हिच इज द ऑर्गन दैट प्यूरिफाइज द ब्लड? आंसर, किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। क्लियर, किडनी अंग द्वारा रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? आंसर, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। क्लियर। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए ह्यूमन? 5 से 6 लीटर्स। क्लियर, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर्स होती है या होता है। क्लियर। नेक्स्ट, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? ब्लड वॉल्यूम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट? आंसर, 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। क्लियर, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी? 65% से 80% होगा। क्लियर। नेक्स्ट, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ब्लड टू सर्कुलेट इन द बॉडी? 23 सेकेंड। शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकेंड समय लगता है। क्लियर। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 या 80 मिलीमीटर। क्लियर, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड? आंसर, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का दिमाग कितने जीबी का होता है? आंसर, वैज्ञानिकों के हिसाब से इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 TB से लेकर 2.5 पेटाबाइट होता है। 1 GB इज इक्वल टू कितना है? 1024 MB। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? आंसर, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला हमारा फोरब्रेन, सेकंड हमारा मिडब्रेन, थर्ड हमारा हिंडब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? आंसर, सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? Which is the hardest element of the body? Answer, enamel। मनुष्य के शरीर में कितने नस होते हैं? आंसर, इसका उत्तर 1036 नस। शरीर के कौन से अंग में हड्डी नहीं होती है? शरीर का ऐसा अंग जीभ है। आंसर, जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती है। टंग में हमारा बाल, जीभ, हड्डी नहीं, होंठ, त्वचा, स्तन,
आँख की पलकें, नाक का अग्रभाग, जननांग और पुरुष के अंडकोश। जीभ एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी। हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? आंसर, हमारे हाथ, अंगुलियाँ और कलाई में सबसे ज़्यादा 54 हड्डियाँ होती है, जो हमें लिखने, कुछ पकड़ने और हर तरह का काम करने में मदद करती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आंसर, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। फीमर घुटने से कुल्हे तक।